फिलहाल ये की बातचीत का तीसरा राउंड तैयार होगा, सुलह का ग्राउंड। फिलहाल जो किसान है वो प्रदर्शन करते हुए किस रूप में पंजाब में नजर आ रहे हैं, उसी की जरा दो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। जो रेल रोको आंदोलन पंजाब में किसानों की तरफ से जिसका आह्वान किया गया है, और जो टोल फ्री कराने की बात की गई है उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल देखिए कैसे रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए किसान नजर आ रहे हैं। रेल रोको आंदोलन दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक, ये दो तस्वीरें पंजाब की हैं। एक पंजाब के मोगा की है, दूसरी पंजाब के अमृतसर की। देखिए जरा किस तरीके से वहां पर नारेबाजी हो रही है। इसी पर जरा चर्चा करते हैं। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। प्रदीप जी, एक तरफ तो आज चर्चा का दिन है, बैठक का दिन है, और दूसरी तरफ किसानों की तरफ से ये ताकत, ये अपना दम और जोर दिखाया जा रहा है। आपको क्या लगता है आज की बैठक, ये तीसरा राउंड बैठक का, सुलह का कोई ग्राउंड बनेगा? नहीं, देखिए रोमाना जी, मेरा तो मानना इस पूरे आंदोलन को लेकर थोड़ा अलग है कि ये किसानों से ज़्यादा पॉलिटिकल आंदोलन है। राजनीतिक मंशा से चलाया गया, पहले भी था, जिसको बाद में योगेंद्र यादव ने जिसका खुलासा भी किया, कहा कि हम तो अखिलेश यादव के लिए पिच तैयार कर रहे थे, वही बैटिंग नहीं कर पाए तो हम क्या करें। तो ये आंदोलन में चुनाव से ठीक पहले, अब आप देखिए इस बात को समझिए, पूरे देश में क्या सिर्फ पंजाब और थोड़ा बहुत हरियाणा में किसान है, और कहीं किसान ही नहीं है। पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांग है, और पंजाब का मुख्यमंत्री उस बातचीत में शामिल नहीं होता। चंडीगढ़ में जब बातचीत होती है तो पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ दौरे पर कहीं और चले जाते हैं। तो कितना सीरियस है पंजाब की सरकार इस आंदोलन का हल निकालने के लिए, और कितना सीरियस है ये संगठन, इस पर मुझे संदेह है। कोई हल निकालना नहीं है, इस विवाद को कम से कम लोकसभा चुनाव तक बनाए रखना है, ऐसी मंशा नजर आ रही है। ये बड़ा सवाल जो आपने उठाया कि राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं इस आंदोलन को हवा देने की जुगत, और महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जब सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री जो है वो भी इस बैठक का हिस्सा बने, उनकी तरफ से अब तक सहमति क्यों नहीं, क्योंकि सूत्र इस तरीके की भी जानकारी दे रहे हैं। ABP News, आपको रखे आगे।